इन सितारों ने कम उम्र में ही शादी रचा कर किया था सबको हैरान। फिर ये हुआ अंजाम। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर रोज बहुत सी लव स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से कई तो शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो कई शादी करके भी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाते। आइए मिलते हैं ऐसी ही कुछ सितारों से और जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। दिव्या भारती दीवाना फिल्म से अपनी खूबसूरती और जलवे बिखेर चुकी दिव्या भारती को सुंदरता और एक्टिंग में नंबर वन का दर्जा दिया जाने लगा था और हिट होते ही इन्होंने 18 वर्ष की आयु में निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी और शादी के महज कुछ ही महीनों बाद अदाकारा ने खुदकुशी कर ली थी, जो आज तक बॉलीवुड में एक राज ही बनकर दफन हो चुका है। डिंपल कपाडिया राजेश खन्ना सुपरस्टार थे तब। डिंपल कपाडिया ने बॉबी फिल्म से बड़े पर्दे पर अपनी बोल्डनेस से तहलका मचा दिया था और इसी फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना जी से महज 16 वर्ष की उम्र में शादी कर ली थी। शादी के बाद ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ, पर कुछ समय बाद ही डिंपल राजेश से अलग हो गई थी। भाग्यश्री मैंने प्यार किया फिल्म में सलमान खान के साथ अपने भोलेपन और मिठास से हिट हुई। भाग्यश्री ने हिट हो जाने के बाद की फिल्मों को अलविदा कह दिया था और हिमालया दासानी से 21 वर्ष की आयु में शादी कर अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया था। सैफ अली खान को भला कौन नहीं जानता। बेशक आज वो करीना कपूर के साथ शादीशुदा जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन इस निकाह से पहले वो महज 21 वर्ष की उम्र में अमृता सिंह के साथ भी शादी कर चुके थे, जो उनसे उम्र में 12 साल बड़ी थी। सुजैन खान ऋतिक रोशन ने पहली फिल्म कहो ना प्यार है में बहुत अच्छा काम किया था और वो सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद अपनी बचपन की दोस्त तथा अपने प्यार सुजैन से शादी कर ली थी और उस समय सुजैन 22 साल की थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। धर्मेंद्र पंजाब के शेर पुत्र धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शादी कैसे हुई थी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ा था और जब उनका पहला विवाह हुआ उस समय धर्मेंद्र 19 साल के थे। कनिका कपूर बेबी डॉल गाने को आखिर किसने पसंद नहीं किया, पर क्या आप जानते हैं इस गाने के पीछे जिसकी सुरीली आवाज छुपी है उनका नाम है कनिका। और इनकी शादी सिर्फ 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ये अपने पति से अलग हो गई और अब सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों की देखरेख कर रही हैं।